हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सब देख रहे हो, इरफान कंप्यूटर सेंटर। इस चैनल पे आपको एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस के जितने भी कोर्सेज होते हैं वो फ्री में बताए जाते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं इस चैनल पे आपको आज हम बताने वाले हैं कि एमएस पेंट में कैसे कमल का फूल बना के तैयार करते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को दबा लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम विंडो पे क्लिक कर लेते हैं, स्टार्ट पे। यहाँ पर आपको टाइप करना है एमएस पेंट और आ जाएगा एमएस पेंट। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे हम और ये देखो इस प्रकार से हमारे सामने आ जाएगा। सबसे पहले तो इनके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये होता है हमारे सिलेक्शन, जैसे कुछ सिलेक्ट करते हैं तो बिना कटे हुए ट्रांसपेरेंट ऑन कर देंगे तो बिना कटे हुए वो चीज़ हमारे सामने आ जाता है। फिर इसके बाद ये होते हैं हमारे सारे टूल, ये जितने भी हैं ये सारे टूल्स हैं, टैक्स वाले ये सारे टूल हैं। फिर ये होते हैं हमारे टैक्स, सेप होते हैं सारे के सारे, ये सेप होते हैं अलग अलग प्रकार के, ये सारे जितने भी हैं ये सब अलग अलग प्रकार के सेप होते हैं जो अलग अलग चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। फिर इसके बाद ये होते हैं कि कितनी किसकी लाइन कितनी बड़ी करनी है, कितनी मोटी कितनी पतली, इन सब चीज़ के बारे में बताया। फिर ये कलर वन और कलर टू। फिर इसके बाद ये होते हैं कलर, अगर मैं इस पर ये वाला कलर कर दूं तो आपके सामने इस प्रकार से आ रहा होगा। ये देखो कलर सारे चेंज आ जाएंगे और इस पर ये देखो मैं इससे सेकंड कलर ये आ जाएगा हमारे सामने। सबसे पहले मैं न्यू पेज लेके मैं आपको आगे बताता हूँ कि कमल का फूल कैसे बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले तो कर्व लाइन लेनी है। कर्व लाइन लेने के बाद नीचे एक ऐसी लाइन स्ट्रेट खींचनी है शिफ्ट के साथ लेफ्ट क्लिक करके। इसके बाद ये देखो हमने इस प्रकार से ये ले लिया हमने इस प्रकार से, ये देखो हमने आसानी से ये हमारे पास आ गया। फिर इसके बाद सेलेक्ट करके ट्रांसपेरेंट ऑन है, ट्रांसपेरेंट ऑन कर लेना। फिर नीचे ले जाएंगे हल्का सा। अब यहाँ पे फिर से कर्व लाइन लेंगे। कर्व लाइन लेने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दो बार इसको हल्का हल्का दो बार इसको घुमाना है। फिर उसके बाद फिर से कर्व लाइन लेके यहाँ पर आपको ये लेके नीचे रख देना है। फिर इसके बाद नीचे करके इस प्रकार से हमारे को ये देखो हमने इस प्रकार से कर दिया। फिर से यहाँ इसके नीचे, जैसे कि नीचे नीचे हल्का हल्का नीचे नीचे लेते रहेंगे तो ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा। जैसे कि फिर से मैं यहाँ पे ले जाके और यहाँ पे फिर से इस प्रकार से मैं छोड़ देता हूँ कर्सर। ये देखो पहले के जैसा यहाँ पर फिर से आ गया। फिर से एक और नया लेता हूँ मैं, तो नया ले लिया मैंने फिर से। और फिर यहीं पर यहाँ पे क्लिक करके फिर यहीं पर रख दूँगा। फिर यहाँ से मैं नीचे की तरफ एक और ले लिया मैं, तो इसको ध्यान रखे हल्का सा इसको दो बार क्लिक कर दे आगे पीछे। ये तो हमारे एक तरफ का हिस्सा बन के तैयार हो गया। फिर से अब दूसरी तरफ का हिस्सा बनाना है तो फिर ये देखो रिकुलर सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे और इन सारों को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक से इसकी कॉपी निकाल लेंगे। तो हमने कॉपी निकाल लिया। अब इसको रोटेट करना हो, जैसे कि आपको दिख रहा हो इस तरफ का इस तरफ दिखना चाहिए तो ये गलत साइड है, तो इसको रोटेट पे ले जाएंगे। रोटेट पे फ्लिप एंड हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार से हमारे सामने ये बन के तैयार हो चुका है। तो आप लेफ्ट एंड राइट की से इसको सेट कर सकते हो बिल्कुल इस प्रकार से। अब क्या करते हैं, इसके नीचे की वो बनाते हैं पत्ती, तने बनाते हैं, वो लड़ी होती है जो। फिर इस प्रकार से हमने एक कर्व लाइन फिर से लेनी है स्ट्रेट और इस प्रकार से हमारे को एक बार तो इस तरफ प्रेस करना है, एक बार इस तरफ प्रेस करना है, तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से बन के आ जाएगा। फिर से हम इस पर सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑन है हमारा, ट्रांसपेरेंट ऑफ नहीं करेंगे। कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक से एक और कॉपी निकाल के हम इस प्रकार से यहाँ पर सेट कर देंगे। तो ये तो हमारे लिए काफ़ी बड़ा है तो इसको छोटा करेंगे हम। फिर से लेते हैं कर्व लाइन, एक बार इस तरफ फिर एक बार इस तरफ, ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से बन के आ जाएगा। फिर से हम सेलेक्ट करके इस पे हम ये कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक से हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले जाके छोड़ देंगे। फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे ऐसा ही इस तरफ ले जाके यहाँ पर ही, फिर इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर कर्व लाइन लेके कुछ इस प्रकार से
दो बार प्रेस करके हमने इस प्रकार से ये रख दिया। अब इसके बाद इस पर कलर करने की बारी आएगी। तो कलर कैसे करेंगे, तो कलर पे क्लिक करके टूल पे ले जाएंगे, कलर टूल पे, फिर इस पर एक एक कलर देंगे। तो ब्लैक कलर पहला कलर इसमें रहेगा, रेड, तो इस पर हमने रेड रेड कलर कर देना है। तो इस प्रकार से आपके सामने ये बन के तैयार हो जाएगा। तो नीचे भी कोई सा कलर कर देता हूँ, जैसे कि ये वाला कलर कर दिया मैंने नीचे। तो इस प्रकार से हमारे सामने ये गुलाब का फूल बन के तैयार हो जाएगा। अब अगर इसकी कॉपी लेनी हो, दो तीन कॉपी लेनी हो, तो कॉपी कैसे लोगे, फिर से मैंने बताया जैसे पहले, इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल के साथ इसकी। ये देखो हमारा कट रहा है, तो ट्रांसपेरेंट मतलब कि ट्रांसपेरेंट ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक कर लिया, इस पे क्लिक करके फिर से इसकी कॉपी लेंगे। ये देखो हमारे पास ये फिर आ जाएगा। फिर से अब इसकी कॉपी लेनी हो तो ऐसे ही करेंगे और कंट्रोल के साथ कॉपी, ये हमारे सामने इस प्रकार से आ जाएगा। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।